यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। वही मिशन 2019 के लिए बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने प्रदेश संगठनों से सभी पार्टी सांसदों को लेकर फीडबैक मांगा है। इस फीडबैक में बीजेपी सांसदों के दोबारा जीतने की संभावना पूछी गई है। शाह दिल्ली के नगर निगमों की तर्ज पर आगामी लोकसभा चुनावों में उन चेहरों पर ही दाम लगाना चाहते हैं जिनके जीतने की गारंटी 100% हो। बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में अकेले दम पर 283 सीटें जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया था। अब मोदी सरकार का अंतिम वर्ष है, लोकसभा को लेकर यह रिकॉर्ड भी है कि मौजूदा सांसदों से हर बार एक तिहाई से ज्यादा सांसद दोबारा सदन में नहीं पहुंच पाते हैं। यही चिंता शाह को सता रही है, इसलिए शाह ने अभी से संभावित उम्मीदवार तलाशने शुरू कर दिए हैं। हाल ही में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षों के साथ तैयारी के लिए की गई बैठक में शाह ने सभी से अपने अपने राज्यों से लोकसभा के लिए चुने सांसदों को लेकर विस्तार से फीडबैक देने को कहा था। मित्रों, आज देश की सर्वोच्च अदालत